नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म तैयारी जीत के चैनल पर। दोस्तों, साल समाप्ति की ओर है और अभी भी कई सारी परीक्षाएं होनी बाकी हैं दिसंबर और जनवरी में। इन सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 16 दिसंबर को ही UPPSC जुडिशियल है, 22 को ग्राम पंचायत अधिकारी है, BPSC की भी परीक्षा है। तो करंट अफेयर के लिहाज से जितना बेहतर हो रिवाइज करें। इस वीडियो में हम, जो कि एक करंट अफेयर का वीडियो है, वैश्विक सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा, शीर्ष क्रम पे कौन से राष्ट्र थे, ये सभी कवर करेंगे। वीडियो के अंत में आपको PDF भी बिल्कुल मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी। इस वीडियो का टारगेट हमने रखा है 1000 लाइक्स का, तो 1 लाइक तो अभी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू में पहला प्रश्न जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंक क्या रही, 130, स्कोर 0.640। प्रथम चार राष्ट्र इस इंडेक्स में कौन से थे, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। UNDP की जो ये रिपोर्ट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं, तो इसको अच्छे से रट लीजिए। भारत की रैंक थी 130। इसी के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता में भारत का स्थान क्या था, 127वां, ये भी इम्पोर्टेंट है, जेंडर इक्वालिटी। दूसरा प्रश्न जो महत्वपूर्ण है काफ़ी परीक्षा के दृष्टिकोण से, हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा 2019 एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, भारत की रैंक इसमें क्या रही, शीर्ष तीन राष्ट्र कौन से हैं। तो भारत की रैंक थी 77, शीर्ष तीन राष्ट्र हैं न्यूजीलैंड, सिंगापुर और डेनमार्क। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है, तीन प्रश्न बनेंगे। रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक, रैंक कितनी है 77, प्रथम राष्ट्र न्यूजीलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में भारत की रैंक क्या थी, 133वां स्थान था भारत का, 133। शीर्ष तीन राष्ट्र कौन से थे, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और उसके बाद आइसलैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा 15वीं रिपोर्ट डूइंग बिजनेस इंडेक्स, वो इज डूइंग बिजनेस इंडेक्स था, ये सिर्फ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, कंफ्यूज मत होइएगा, और उसको सिर्फ वर्ल्ड बैंक जारी करती है, इसको वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम दोनों मिलकर जारी करते हैं। थीम थी रोजगार सृजन में सुधार, भारत की रैंक क्या रही, 100वीं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। बिजनेस के लिहाज से बेहतरीन राष्ट्रों में भारत का स्थान 100वां था। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर BPSC एंड UPPSC जुडिशियल, 103वां स्थान है भारत का, भारत की रैंक थी 103वां। वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स, द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी 24वां आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या रहा, 130वां। प्रथम चार राष्ट्र इस इंडेक्स में कौन से थे, हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और फिर आइसलैंड। फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या था, 138वां। शीर्ष चार राष्ट्र, पहले नंबर पे नॉर्वे, फिर स्वीडन, फिर नीदरलैंड और फिर फिनलैंड। भारत की रैंक रही 138वां। जारी करने वाली संस्था है फ्रांस की रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लंदन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2018 में भारत का स्थान रहा 136वां। पहले तीन राष्ट्र हैं आइसलैंड, फिर न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रिया। केंद्र सरकार ने हाल ही में एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 जारी की थी, इसमें प्रथम तीन राज्य के जो महानगर हैं वो कौन से थे, पुणे, महाराष्ट्र, नवी मुंबई और ग्रेटर मुंबई। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन UPPCS 2018 जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था,
इम्पॉर्टेंट भी है, हर 2 वर्ष में जारी होती है ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ई गवर्नेंस इंडेक्स 2018 जारी की गई थी प्रत्येक 2 वर्ष में, इसमें भारत का स्थान क्या रहा, 96 ठीक है। प्रथम 3 राष्ट्र कौन से थे, डेनमार्क नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2, दक्षिण कोरिया नंबर 3। 96 इसको रख लीजिए, बन सकता है यहाँ से प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ई गवर्नेंस इंडेक्स 2018 प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार जारी होता है। वर्ष 2018 में भारत के लिए 3 सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता राष्ट्र कौन से हैं, इराक, सऊदी अरब और ईरान। एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 के लिए शीर्ष 5 ई कचरा उत्पन्न करने वाले राष्ट्र कौन से हैं, पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे नंबर पर है अमेरिका, तीसरे नंबर पर है जापान, चौथे नंबर पर जर्मनी और भारत का स्थान है 5वां। तो सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में आई एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष ई कचरा उत्पादन में भारत का स्थान क्या रहा, तो 5वां स्थान था भारत का। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हाल ही में आया था, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2018 में भारत का स्थान और शीर्ष राष्ट्र कौन सा था, तो भारत का स्थान था 57। प्रथम 3 राष्ट्र हैं स्विट्जरलैंड, फिर नीदरलैंड, उसके बाद स्वीडन। केंद्र सरकार की औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी राज्य व्यवसाय सुगमता रैंकिंग इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रथम 4 राज्य कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने अपना खुद का एक इजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया था जिसमें पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश था। फरवरी 2018 में जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की विश्व भ्रष्टाचार सूचकांक 2017 में भारत का स्थान क्या था, 81, और यह फरवरी 2018 में जारी हुई थी रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या रहा, 177। यूनिसेफ द्वारा जारी शिशु जन्म दर सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या रहा, 12। फिर से सुने, यूनिसेफ द्वारा जारी शिशु जन्म दर सूचकांक 2018 में भारत का स्थान रहा 12। समावेशी विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या रहा, 62। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या रहा, 44। फिर से सुने, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या रहा, 44। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, अभी लेटेस्ट जो दिसंबर में रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या रहा, 14। और इस इंडेक्स में टॉप किसने किया, स्वीडन ने। 21वां प्रश्न है, वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या रहा, 115। वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक में भारत की रैंक थी 115। एक यहां से प्रश्न बन सकता है, भारत के पहले आपदा जोखिम सूचकांक 2018 में शीर्ष 4 बड़े भेद्य राज्य कौन से हैं, यानी कि पहले 4 राज्य जो आपदा जोखिम के रूप में टॉप पर हैं वो कौन से हैं, तो वो है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। फिर से सुने, भारत के पहले आपदा जोखिम सूचकांक 2018 जारी की है, इसमें जो है पहले 4 राज्य कौन से हैं, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा आपको जो अच्छे से रटना है वो मैं बता देता हूँ एग्ज़ाम के दृष्टि से। सबसे पहले तो UNDP की मानव विकास सूचकांक ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
अभी हाल ही में जो जारी हुई 2019 इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ये इम्पोर्टेंट है, वैश्विक शांति सूचकांक, और ये डूइंग बिजनेस इंडेक्स पे भी प्रश्न बन सकता है, भुखमरी सूचकांक पर भी प्रश्न बन सकता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इस पर भी प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 और ई गवर्नेंस पे यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है और बिहार पीसीएस में दोबारा बन सकता है प्रश्न। इस वीडियो की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।